मित्रों, महाशिवरात्रि पर्व के दिन घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि कैसे हो, लक्ष्मी की प्राप्ति कैसे हो, बुद्धि की प्राप्ति कैसे हो, मानसिक परेशानियों से आप कैसे निपटें, आपके घर में ग्रह कलेश दूर हो, आपके बच्चे यदि शादी के योग्य हैं तो उनकी शादी किस प्रकार से जल्दी हो, कोई ग्रह नक्षत्र यदि आपके लिए परेशान कर रहा है तो उस ग्रह नक्षत्र को किस प्रकार से संतुलित किया जाए, इन सभी चीजों को लेकर के यदि आपकी कोर्ट कचहरी चल रहा है, शत्रुओं से यदि आप परेशान हैं, जीवन में कई प्रकार की समस्याएं रहती हैं, तो इन सब समस्याओं के निवारण के लिए हमारे ऋषि मुनि किसी न किसी त्यौहार का इस प्रकार से मनाए जाते हैं, हमारे उन्होंने इस प्रकार से त्यौहार बनाए हैं। उन त्यौहारों में यदि हम इन मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किसी प्रकार का कोई उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से वो हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं। तो महाशिवरात्रि पर्व पर हम ऐसा क्या करें कि इन समस्त परेशानियों से हमें छुटकारा मिल सके। तो आपको मित्रों करना क्या है, महाशिवरात्रि के दिन जब आप रुद्राभिषेक करने के लिए जा रहे हों तो हम कुछ चीज़ें बताते हैं, उन चीज़ों को आप मिक्स करके और यदि भगवान शिव का आप अभिषेक करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। आपको एक बड़े पात्र में गंगा जल लेना है, शुद्ध जल लेना है, गाय का दूध, गाय का घी, पंचामृत, इत्र, शहद, गन्ने का रस, ये सब सामग्री आप उसमें डाल लें और उसके पश्चात में अपनी तर्जनी उंगली से उसको घुमाएं और 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर और उसको पूरा मिक्स कर लें। उसके पश्चात में ओम नमः शिवाय बोलते हुए जो है भगवान शिव का आपको उस सामग्री से आप उनका अभिषेक करें। अभिषेक करने के पश्चात में शुद्ध जल से उनको स्नान कराएं, चंदन इत्यादि लगाएं और बिलपत्र, धतूरा और भांग भगवान शिव को आप समर्पित करें तो निश्चित रूप से आपकी समस्त मनोकामनाओं की वो पूर्ति करेंगे। तो यदि आप लोगों को हमारे विचार, हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट मित्रों को शेयर जरूर किया करें और इसी प्रकार अपना स्नेह हमारे चैनल पर बनाए रखें। यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, यही हम सदैव आप लोगों से कामना करते हैं। एक छोटा सा उपाय हमने आपको महाशिवरात्रि पर्व पर बताया है कि किस प्रकार से यदि आप रुद्राभिषेक करेंगे तो आप अपनी समस्त मनोकामना का जो है आप पूर्ति कर सकते हैं। इन्हीं कामनाओं के साथ मित्रों कि आपका दिन मंगल में हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।